हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। गाइस, अभी वेस्ट इंडीज़ वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन का मैच होने वाला है। बहुत मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि शकीरा सेलमन नहीं खेलेंगी। गाइस, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। जो आर्टिकल ये लोग पढ़कर आपको बता रहे हैं वो आर्टिकल एक्चुअल में है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शकीरा सेलमन सफर्ड एन इंजरी वाइल फील्डिंग एंड इज़ करेंटली अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब वो फील्डिंग के दौरान थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ना कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो अगला मैच नहीं खेलेंगी। वो खेल भी सकती हैं। आपको मार्केट में गलत न्यूज़ बताई जा रही है, तो सही न्यूज़ ये है कि शकीरा सेलमन सफर्ड एन इंजरी वाइल फील्डिंग एंड इज़ करेंटली अंडर ऑब्जर्वेशन। अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब वो खेल भी सकती हैं, नहीं भी खेल सकती हैं। बट अगर ज़्यादा इशू होता तो तभी वो बोल देते कि नहीं खेलेंगी। गाइज, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप चाहे तो उनको ले सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। बट ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि ये मैच नहीं खेलेंगी, ये खेल भी सकती हैं। 50-50% चांस है, और अगर नहीं खेलती तो तुरंत न्यूज़ आ जाती। तो गाइज, ये कुछ न्यूज़ थी। आप डायरेक्टली बिलीव मत किया कीजिए किसी चैनल पे, बिकॉज आपको आधी न्यूज़ बताई जाती है और मैं जब तक प्रूफ नहीं देखता मैं आपको नहीं बोलूँगा ये प्लेयर नहीं खेलेगा। बिकॉज गाइज, प्रूफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं हमेशा प्रूफ की बात करता हूँ, हमेशा आपके लिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ लाता हूँ। तो गाइज, ये एक न्यूज़ थी। आप आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ पर बस छोटी सी लाइन लिखी है कि शकीरा सेलमन इंजर्ड हुई हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो खेल भी सकती हैं कल का मैच, नहीं भी खेल सकती हैं। आपकी चॉइस है, आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है आप पर डिपेंड करता है। कल 5 विकेट ले लेती है तो आप हार सकते हो। तो एक टीम में वाइस कैप्टन या कैप्टन ज़रूर बना देना, छोटी सी लीग खेल लेना, भले दूसरी टीम में इनको मत लेना, मैं ये चाहता हूँ ये आपका लॉस ना करा दे। तो गाइज़, ये न्यूज़ थी, एक्सक्लूसिव न्यूज़ थी, और ऐसी कोई भी न्यूज़ आएगी मैं आपको तुरंत डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों साथ शेयर ज़रूर करना, और जो भी डाउट थे आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो कमेंट्स में बार बार मत बोलिए वो चीज़ को, मैं हर किसी की रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बिकॉज बहुत सारे एकदम कमेंट आ जाते हैं, तो मैं मुझसे पॉसिबल नहीं होता कि मैं 10-20-30-40 कमेंट्स पे एकदम रिप्लाई कर दूँ। तो गाइज़, ये एक वीडियो था। ऐसी और न्यूज़ के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।